कैप्टेंसी की बात करिए, वहां तो बोलना नहीं चाहिए ऐसा। गधे बेच के ही गरमी चल रही है, गधे भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनको ही बेचा जा रहा है। अच्छा, अच्छे जानवर होते हैं। करें ना, आपको ये बड़ा, अच्छा आपका ये बड़ा प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि सिर्फ बोला जाए ताकि हिंदुस्तान का आम शहरी आपको सुने। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, मैंने आपको अपनी बात सुनानी है। देखिए, पाकिस्तान को किसी नियत का कोई खौफ नहीं है। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल वकार बुलंद हुआ वो आपके पिछले एक महीने के मीडिया टॉक शो देख के लोगों का अंदाजा है। पाकिस्तान में लोग बड़ी पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। पाकिस्तान ने पहले भी खित्ते में अमन के लिए काम किया। पाकिस्तान आइंदा भी एक आम अफगानी के लिए, एक आम अफगानी महिला के लिए अपना काम करता रहेगा। हमें आपके सर्टिफिकेट की पहले भी जरूरत नहीं थी, तक होना तो ये चाहिए था कि आज जो बाइडेन जी मोदी जी से अफसोस करते हैं कि आपका भी इतना बड़ा, आपकी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाया हुई और हमारी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाया हुई। हो सकता है ये इस पर बहस कर रहे हो, चूंकि कागज की इस पर्ची का ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। मुझे लगता है जो बाइडेन जी मोदी जी से आपकी इन्वेस्टमेंट की लूट, जो आपने हिंदुस्तानियों के बिलियंस डॉलर, एक आम हिंदुस्तानी के जो सड़क पर लेटा हुआ था बगैर वैक्सीन के, फिर आपके कई मीडिया के लोग बुरा मान जाते हैं, वो हिंदुस्तानी बच्चा जो चाइल्ड लेबर करता है करोड़ों की तादाद में, वो बच्चियां जो कमसिनी की एज में मौत के मुंह पहुंच जाती है मेडिसिन ना होने की वजह से। आज मैं समझता हूँ जो बाइडेन जी मोदी जी से ये पूछेंगे कि मोदी जी ये बताए, अरे आपके यहाँ तो बिरयानी, आपके यहाँ तो अंडा नहीं मिल रहा सर, आपके यहाँ तो रसगुल्ले खा के सो रहे हैं लोग आजकल। बिरयानी, रसगुल्ला, फिरनी सब मिल रही है, आदमी को फ्री में बट रही है। तालिबान वाले बांट रहे और चाइना वाले बांट रहे हैं। अच्छा दीपक जी, गुस्सा नहीं करना, मैं ये समझ रहा हूँ। आप देखे, आपकी अपना सोचने का जाविया इस पर्ची को देख के, मैं अपना वो बॉस के सामने जैसे एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है। मोदी जी, जाहिर है आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपने रिस्पेक्ट करनी है, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करेंगे, मैं भी करूंगा। आप नहीं करेंगे, मैं तो बिल्कुल आजाद हूँ, आपसे ज्यादा बेबाक हूँ, आपसे ज्यादा मेरी आवाज ऊंची है। मोदी जी ऐसे बैठे हैं जैसे छोटा सा बच्चा किसी मॉनिटर के सामने बैठा हो हिसाब किताब देने के लिए। और जो 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 वो आपकी मुतरजिम है, तर्जुमान है, वो भी बड़ी खामोशी से बैठी हुई है। और इमरान खान शी जिनपिंग के सामने कैसे बैठते बताइए, जरा बताइए ना। वहाँ पे नमाज पढ़ने देते हैं आपको, नमाज पढ़ने देते हैं चाइना वाले, बताइए ना। चाइना वाले नमाज पढ़ने देते हैं पाकिस्तान में आपको? दिखाऊं मौलाना तारिक का टेप आपको? दिखाऊं मौलाना तारिक का टेप? नमाज तो हम तलवार के अच्छा नहीं, दिखवाता हूँ, रुकिए दिखवाता हूँ आपको, दिखवाता हूँ। बहुत आपकी बहुत तकरीर हो गई नदीम भाई, बहुत तकरीर हो गई, बहुत तकरीर हो गई।